नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं खास मेहमान से। छतरपुर में जन्मे और पले बढ़े देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी से, जो आज छतरपुर से निकलकर एक देश के प्रमुख चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और देश भर के पत्रकारों के बीच उनका एक नाम है, एक प्रसिद्धि है। खास बात यह है कि वो हमारे छतरपुर के हैं, हमारे अपने हैं और आज छतरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। इस खास मुलाकात के जरिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे न सिर्फ उनके बारे में बल्कि देश की पत्रकारिता के बारे में। सर, बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये कि छतरपुर में आज एक अवसर मिला है कि जिस जमीन से शुरुआत की थी वहीं पर सम्मानित किया गया। एक लंबी यात्रा के बाद घर के लोगों ने सम्मानित किया आपके श्रेष्ठ पत्रकारिता को, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मेरे लिए सचमुच में एक मुश्किल घड़ी थी कि जिस शहर में, जहाँ आपने जन्म लिया हो, जहाँ आपने पढ़ाई की हो, जहाँ आपने सीखा हो, वही जिंदगी क्या है, एक प्रयोगशाला है जिसमें हम समाज से सीखते हैं और समाज को देते और लेते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा पल था जब यहाँ से मुझे निमंत्रण मिला कि मुझे सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि बड़ा अजीब सा होगा, अपने लोगों के बीच में, जिनके बीच में रहते हुए मैंने पत्रकारिता सीखी है, कई बार उनकी झिड़की भी खाई है, कई बार उनसे डांट भी खाई है, और आज वो सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ वर्षों के फासले पर उनसे खड़ा हूँ तो वो सम्मानित करें, तो मुझे अंदर से अटपटा लग रहा था। लेकिन जब एक पूरी यात्रा आपने पूरी की, आपने कहा उस समय कुछ झिड़की भी खाई वरिष्ठ पत्रकारों की छतरपुर में, वो यात्रा कैसे शुरू हुई थी, कब लगा के इस क्षेत्र में जाना चाहिए और वो कैसे वो प्रेरणा आई मन में? दरअसल देखिए, लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही था जी। मेरे परिवार में लेखन के संस्कार आप कह सकते हैं कि मेरे बुजुर्गों से मिले, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे चाचा, सभी लोगों को लिखने पढ़ने का शौक था। लेकिन पत्रकारिता का जो जहाँ तक काम है वो किसी ने खानदान में नहीं किया था। तो मैं यहाँ कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो BSc फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बात है, तो उसी वक्त इमरजेंसी लगी जी। और प्रेस पर सेंसरशिप लगी, तो उस वक्त लगा कि ये जो जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं उस पर कहीं ना कहीं कोई आक्रमण है। और उसी दौर में यहाँ का एक बहुत लोकप्रिय अखबार होता था प्रचंड ज्वाला, जिसके संपादक थे उस समय श्याम अग्रवाल, तो उनके साथ मुलाकात हुई और बस ऐसे ही कुछ सिलसिला शुरू हो गया लिखने पढ़ने का, अखबारों उनके साथ काम करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे अखबारों में लिखना जब शुरू हुआ तो भाषा भी थोड़ी ठीक हुई, सीखा भी। फिर श्याम जी ने किसी वजह से प्रचंड ज्वाला बंद करना पड़ा और शुभ भारत अखबार शुरू किया, तो उनके साथ काम की शुरुआत की। 1976 के साल है मुझे लगता है कि 76 में मुझे दैनिक जागरण से एक आमंत्रण मिला, जो आप कह सकते हैं दैनिक जागरण में मेरे पत्रकारिता के गुरु थे वो राम सेवक रावत थे, और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसके वो एक सेनानी थे, उन्होंने मुझे दैनिक जागरण से जोड़ा और 76-77 से करीब करीब 4-5 बरस 80 तक मैं दैनिक जागरण के साथ रहा। फिर उन्होंने यहाँ उन्होंने अपना कार्यालय डाला, कार्यालय के साथ उन्होंने यहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ाई। यहाँ रहते हुए मुझे उन्होंने प्रादेशिक कॉरेस्पॉन्डेंट यानी पूरे मध्य प्रदेश का संवाददाता बनाया। तो छतरपुर में रहते हुए एक आंचलिक पत्रकार के लिए, कस्बाई पत्रकार के लिए, छोटे ज़िले के पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भोपाल का कवरेज भी मैं कई बार मुझे भोपाल जाके करना होता था, मुझे रायपुर जाके कवर, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो रायपुर जाके कवरेज करना होता था। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो दैनिक जागरण ने मुझे सौंपी थी। और इसी बीच में मुझे 1978 की बात है, UNI ने अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया
और एक डेढ़ साल के बाद फिर पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना मुझे संवाददाता बनाया। इसी दरमियान दैनिक नई दुनिया के साथ, नई दुनिया इंदौर के साथ लिखना शुरू हो गया और भी कई अनेक अखबारों के साथ लिखना शुरू हो गया। तो इस तरह से पत्रकारिता चलती रही और साथ में रेडियो पत्रकारिता भी शुरू हो गई थी, जिसको आप कह सकते हैं कि उस दौर में, उस दौर की जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है जी, वो कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये भी कभी एक अपने आप में फुल टाइम पत्रकारिता हो सकती है जी। तो 1976 या 75 में आकाशवाणी छतरपुर की शुरुआत हुई थी और आपातकाल लगा था, तब 1976 में मेरा पहला प्रसारण रेडियो के जरिए यहाँ हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ युवाणी नाम का कार्यक्रम है वो पेश किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ उद्घोषक हो गया, अनाउंसर था, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, रूपक लिखे, नाटक किए और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पे गए, सम्मान भी मिला, पुरस्कार भी मिला। ये लेखन और रेडियो पर जब काम चल रहा था, इसी दरमियान देश में टेलीविजन भी आया और टेलीविजन पे न्यूज आना शुरू हुई और उस समय तो नहीं लगता था कि कभी 24 घंटे भी न्यूज आएगी टेलीविजन पे, लेकिन जो ख्याति आपको मिली या जो हम लोगों की पीढ़ी ने आपको जाना वो उसी टेलीविजन मीडिया के कारण जाना था। मुझे याद है बचपन में मैं आपको टीवी पे देखता था, आज तक पे जब आप काम कर रहे थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई और ये स्विच कैसा था? देखिए, इसके बीच में एक कड़ी कहीं छूट रही है क्योंकि हम टेलीविजन तक हम वहां पहुंचे हैं, उससे पहले एक छोटा सा प्रिंट मीडिया का एक दौर था जी। एक मामला यहाँ छतरपुर में हुआ था, वो था छतरपुर के जिला प्रशासन से हम लोगों की लड़ाई हुई जी। और एक गोलीकांड हुआ था, गोलीकांड की संक्षेप में आपको बता देता हूँ, उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने हासिल की और वो रिपोर्ट अखबारों में छप गई। उसके बाद जिला प्रशासन बड़ा बौखला गया, हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच हमको मिल गई थी, उस पर फिर हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ, काफ़ी अत्याचार हुआ। छतरपुर के हम सारे पत्रकार विधानसभा में धरने पर बैठे सामने वहाँ पर, यहाँ से पूरा ग्रुप, सारा समूह पत्रकारों का भोपाल गया, भोपाल की सड़कों पर हम लोग भटकते फिरते थे 7 दिन तक। और उसके बाद उसका जुडिशियल इंक्वायरी हुई और जुडिशियल इंक्वायरी में, न्यायिक जांच में, एक न्यायिक जांच आयोग बना, जिला और सत्र न्यायाधीश उसके मिस्टर पांडे थे, वो उसके अध्यक्ष थे। न्यायिक जांच आयोग में हम लोगों के आरोप सच पाए गए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उस मामले की जाँच की, उसमें भी हम लोगों के आरोप सच पाए गए और उस मामले का नतीजा ये निकला, परिणाम ये निकला कि हम लोगों को की ख्याति आप कहें कि हम लोगों ने अपने अधिकारों के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो वो दूर दूर तक हो गई थी। और छतरपुर में रहते हुए मुझे सबसे पहले फिर नई दुनिया इंदौर से, उस समय प्रधान संपादक थे राजेंद्र माथुर जी, उन्होंने मुझे एक तरह से एक अवसर दिया, उन्होंने इंदौर बुलाया और इस तरह से मेरी नई दुनिया इंदौर के साथ शुरुआत हुई। और जब नई दुनिया इंदौर 5 साल बाद राजेंद्र माथुर जी नवभारत टाइम्स में चले गए और 5 साल नई दुनिया में रहने के बाद फिर उन्होंने मुझे नवभारत टाइम्स में ले लिया। नवभारत टाइम्स उन दिनों वो अखबार था, देश के हर पत्रकार के लिए तीर्थ था, हर पत्रकार का एक सपना होता था, अंतिम सीढ़ी होती थी कि नवभारत टाइम्स में जाना है। नवभारत टाइम्स में अगर आप आ गए तो इसका मतलब आपने पत्रकारिता के मतलब सर्वोच्च शिखर को पा लिया जी। तो वो अवसर भी मिल गया, मैंने जयपुर का नवभारत टाइम्स शुरू किया 1985 में और वहीं रहते हुए जयपुर में दूरदर्शन जब शुरू हुआ तो उसके साथ वहाँ खबरें पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ जी। शायद 87-88 की बात है। तो वहाँ इस तरह से मेरा टेलीविजन का सफर दूरदर्शन के साथ भी थी, दूरदर्शन के साथ। फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल्स टीवी पर आए। देखिए, प्राइवेट चैनल तो काफ़ी देर से आए, प्राइवेट चैनल तो आए हैं 2000 में जी। आप अगर याद करें तो 1993-94 में जी टीवी पहला एक नेटवर्क था जिन्होंने अपना कुछ, वो भी स्वदेशी जमीन पर नहीं, परदेश कहीं दुबई या सिंगापुर से वो अपना सैटेलाइट के जरिए प्रक्षेपित करते थे अपने सिग्नल्स, यहाँ उनका ऑफिस होता था। लेकिन चैनल इंडस्ट्री एज सच कुछ नहीं थी इस देश में, चैनल नहीं थे इस देश में, केवल दूरदर्शन होता था जी। तो मैं 87 से लेके और 91 तक जयपुर में था जी। रेडियो में भी खबरें पढ़ता था, रेडियो के लिए भी कार्यक्रम बनाता था, दूरदर्शन के लिए भी खबरें पढ़ता था, दूरदर्शन के भी कार्यक्रम करता था, लाइव करता था, चुनाव समीक्षा करता था।
और इसी दरमियान मुझे फिर भोपाल से एक अखबार में समाचार संपादक के रूप में आने का प्रस्ताव मिला जी। तो मैं भोपाल आ गया, 4 अप्रैल 1991 की बात है। और तब हम लोग, मैं भोपाल आ गया और भोपाल में जब दूरदर्शन भोपाल का शुरू हुआ तो पहला समाचार बुलेटिन मैंने ही पढ़ा जी। और उसके बाद से 13 साल तक लगातार भोपाल दूरदर्शन पे जुड़े रहे, मैं जुड़ा रहा जी। इसी दरमियान जब वहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार ने कुछ प्राइवेट टेलीविजन प्रोड्यूसर्स को के लिए दरवाजे खोले, तो पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, 1992 में एक परख नाम का एक कार्यक्रम आता था जी। और जो देश की पहली करंट अफेयर्स मैगजीन थी, विनोद दुआ उसको प्रस्तुत करते थे और उस टीम में हम 4-5 लोग थे जी। तो उस परख के जरिए मैंने फिर रेगुलर रिपोर्टिंग शुरू की। तो दूरदर्शन और दूरदर्शन पर, डीडी नेशनल पर आने वाला परख, ये दो बड़े कार्यक्रम थे जिससे शुरुआत हुई। आज तक की शुरुआत जो हुई है वो 1995 में हुई है, 95 में जी। 1995 में आज तक डीडी मेट्रो पर एक 20-25 मिनट का एक न्यूज कैप्सूल आता था जी। तो उसमें हम लोग पहले दिन से जुड़े थे। अच्छा हाँ। और उस समय आपने अगर नाम सुना हो तो बहुत ही मशहूर पत्रकार थे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। हम लोग उनको SP बोलते थे। सो रविवार एक मैगजीन निकलती थी 1977 से लेके, और मैं कई साल तक रविवार में भी लिखता था, तो उसके संपादक थे। रविवार के संपादक पद छोड़ने के बाद SP सिंह ने नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया जी। माफी चाहता हूँ, नवभारत टाइम्स उन्होंने आज तक ज्वाइन किया जी। और आज तक पर ये 20-25 मिनट की जो मैगजीन आती थी डीडी मेट्रो पर, इस तरह से हम लोगों ने फिर एक बार उस पर शुरुआत की दैनिक पत्रकारिता की। और दैनिक पत्रकारिता जो आधा घंटे की आज तक ने की दूरदर्शन पे, वो उसमें उसका मुकाबला, उसका सानी आज भी नहीं है। आज 20 साल करीब करीब होने को आए, लोग आज भी याद करते हैं कि आज तक की वो पत्रकारिता जो है वो आज भी देश में बेजोड़ है। सर एक दौर वो भी था जब एक कस्बे के, एक जिले के, छोटे से जिले के पत्रकार हुआ करते थे, आज देश के प्रमुख चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इन दोनों छोर को छूने के दौरान आपने दो दौर देखे हैं, एक वो पत्रकारिता जब संघर्ष करना पड़ता था, और एक आज की जो पत्रकारिता है जो बहुत टाई बेल्ट के साथ और स्टूडियो से होने लगी है। क्या फर्क देखते हैं इन दोनों एरा की पत्रकारिता में? देखिए जो बुनियादी फर्क है, वो बुनियादी फर्क तो यह है कि हम लोग जब यहाँ पत्रकारिता कर रहे थे तो ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये कहीं नहीं था कि हमें, मुझे ये करियर बनाना है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अखबार में रिपोर्टिंग अच्छी लग रही है क्योंकि मैं अपनी बात भरोसे से कह पा रहा हूँ, इसलिए मैं पत्रकारिता कर रहा था। मुझे पत्रकारिता करनी है क्योंकि मैं अपने विचारों को लिख सकता हूँ, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ, अपनी टीम के साथ हम अपने इलाके के सब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं, विषयों पर ध्यान दे सकते हैं और अपने सामाजिक सरोकारों को एक अवसर दे सकते हैं अखबार के माध्यम से जी। आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी प्रोफेशनल इसमें आता है वो आते से, मैंने करीब करीब 2000 लोगों को नौकरी दी चैनल्स में, एंकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को, टेक्निकल स्टाफ को, इंजीनियर्स को। तो वो पैकेज देखते हैं, सेवा शर्तों को देखते हैं, अब वो नौकरी कर रहे हैं। हम लोग तो बिना ट्रेनिंग के, हमने कोई उस समय तो पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण संस्थान था नहीं ना जी, तो हम लोग तो करते करते सीखे और हम लोग अपने अपने जुनून की वजह से आगे बढ़े हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आज का दौर खराब है, लेकिन उस दौर में हम लोग जो आए वो अपने जिद, अपनी इच्छा के चलते आए। इसलिए आज भी, आज मैं करीब करीब 37-38 साल हो गए काम करते हुए, मैं इस प्रोफेशन को आनंद की तरह महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर आनंद का झरना फूटता है जब मैं टेलीविजन के साथ या रेडियो के साथ या अखबार के साथ काम करता हूँ। बस थोड़ा सा उद्देश्यों में प्रोफेशन कहीं, मैं आज भी इसको प्रोफेशन नहीं मानता। और जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको ऐसा लगता है कि ये करियर है, करियर ऑफकोर्स। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और जब वो उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कभी कभी मुझे उनके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए जब इंटरव्यूज होते हैं तो मुझे जाने का मौका मिलता है, वो लोग बुलाते हैं।
और जब मैं पूछता कि क्यों आना चाहता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर कहीं और एडमिशन नहीं हुआ, परसेंटेज बहुत कम थे इसलिए यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। एक उत्तर। दूसरा उत्तर ये है कि सर मुझे तो कुछ करना है सोसाइटी को, बहुत करप्शन है, ये है, सब बदल दूंगा तो इसलिए हमें आना है। तीसरा उत्तर, मुझे माँ बाप से अलग जाना है, माँ बाप बहुत तंग कर रहे हैं मेरे कैरियर को लेके, मुझे दूर रहना है, मुझे छतरपुर में परेशान करते हैं, मैं तो भोपाल आके कमरा लेके रहना चाहता हूँ, तो कहीं कुछ भी पढ़ूँ मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो पत्रकारिता आपने समझा है, जाना है क्या होती है पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया क्या है, नहीं साहब तो सब सीख जाएंगे। तो कहने का मतलब कि उनके दिमाग में प्राथमिकता ये नहीं है कि मुझे कुछ अपने सरोकारों के लिए काम करना है, मुझे मीडिया में कुछ काम करना है। पहली जरूरत उनकी ये है कि वो कुछ रोजगार के नाम पे करना चाहते हैं या कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आखिरी विकल्प के तौर पर वो मीडिया में आना चाहते हैं। ऑल्दो अभी एंकर्स के मामले में अब थोड़ा स्थितियां बदल गई हैं, अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये समझते हैं कि मुझे एंकर बनना है तो वो एंकर बनने की ख्वाहिश लिए आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एंकरिंग का काम इतना खतरनाक है, आप तलवार की नोक पर बैठे हैं, आपकी जबान से निकलने वाला एक एक शब्द ऐसा होता है कि जो सीधे मार करता है दर्शक पे, है ना। एक एक अखबार पढ़ने के लिए तो आप लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन दर्शक के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मेरा सवाल सर ये है कि अगर मान लीजिए एक युवा पीढ़ी उसको एज ए करियर भी देखती है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि करियर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रखें, ध्येय और उद्देश्य सरोकार पहले होने चाहिए। देखिए अगर मैं आज ये कहूं भी तो उसका कोई मायने नहीं है, मतलब नहीं है। अब जिस तरह से बीते 10-15 साल में, 10 साल में खासतौर पे, जिस तरह से टेलीविजन में बदलाव आया है, जिस तरह से अखबारों में बदलाव आया है, अखबारों के प्रादेशिक संस्करण निकल रहे हैं, अखबारों के जिला संस्करण निकल रहे हैं, उनमें प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ रही है, टेलीविजन चैनल्स निकल रहे हैं, रीजनल चैनल्स निकल रहे हैं, सैटेलाइट चैनल्स निकल रहे हैं, केबल्स चैनल्स निकल रहे हैं, तो अब उनमें काम करने वाले तो प्रोफेशनल ही है ना। तो अगर ये अगर मैं कहूं कि मैं अपने हुनर और अपनी जिद और अपनी पसंद की वजह से आया हूं तो ये संभव नहीं है। अब ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है। अब अगर इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है तो हमें केवल सावधानी इस बात की बरतनी है कि जो प्रोफेशनल टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल रेडियो में आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल अखबार में आ रहे हैं, कम से कम वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके तो आए। 5 साल आप डॉक्टर को पैदा करते हैं तो 5 साल आप लेते हैं जी, बिल्कुल। एक वकील को आप पैदा करते हैं तो आप 3-4 साल लेते हैं, एक इंजीनियर को आप पैदा करते हैं तो 4 साल लेते हैं। अब जब ये इंडस्ट्री ही बन गई है तो इसके लिए भी 3-4 साल की एक प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं होती, और समाज को प्रभावित करने वाली इंडस्ट्री है। सर यही वजह है कि आज जितना ताकतवर मीडिया हुआ है आलोचनाएं भी उतनी ही बढ़ गई। क्या इस दौर में आलोचना सिर्फ मीडिया के एक फैशन के तौर पर की जा रही है या वाकई कुछ गड़बड़ चल रहा है? दोनों बातें, वाकई में कुछ गड़बड़ है वो प्रोफेशन की मेरी अंदरूनी बात है, लेकिन मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई इसमें बहुत छिपा हुआ तिलिस्म नहीं है जी, बिल्कुल। 2000 में पहला इस देश का पहला चैनल आता है, आज तक वो चैनल करोड़ों रुपए का कर्ज लेता है, वो सोचता है कि 5-10 साल में ये कर्ज लोन पड़ जाएगा, ठीक है, और 1-2 साल में वो चैनल इतना सुपरहिट हो जाता है कि उसका जो लोन है वो तो 6 महीने या मेरे ख्याल है 1 साल भर में पड़ जाता है। तो बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं या जो दूसरे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको लगता है कि एक चैनल इतने कम समय में इतना मुनाफा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं चैनल निकालें। तो उसकी देखा देखी फिर स्टार न्यूज़ आता है, फिर जी टी वी भी अपना चैनल शुरू करता है, फिर सहारा भी शुरू करता है, और भी देश में तमाम आज आप देखिए कि चैनल इंडस्ट्री का जाल 2005 आते आते बिछ गया 5 साल। तो 5 साल में आपने ये तो देख लिया कि जो है मुनाफा कमाने वाली एक मशीन उनके सामने टेलीविजन के माध्यम, टेलीविजन न्यूज़ के माध्यम से है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नेटवर्क लगा लिया, सिस्टम खड़ा कर लिया, ये नहीं देखा कि उनको इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स मिलेंगे कि नहीं, हुनरमंद मिलेंगे कि नहीं, ट्रेंड इंजीनियर्स मिलेंगे कि नहीं, जर्नलिस्ट मिलेंगे या नहीं, ये उनके पास था नहीं। तो जो उनको जहाँ से शादी ब्याह का वीडियो बना रहा था, कैमरामैन चला रहा था, तो वो उसको उन्होंने न्यूज़ जर्नलिस्ट बना दिया, वीडियो जर्नलिस्ट बना दिया।
कोई जो प्रिंट में काम, मैं ये नहीं कहता प्रिंट के, मैं खुद ही प्रिंट वाला हूँ, जो प्रिंट में काम कर रहा था उसको उठा करके उन्होंने टेलीविजन में लगा दिया। अब जब अधकचरे ज्ञान के आधार पर आप पत्रकारों को टेलीविजन में लाएंगे, उस इंडस्ट्री में लाएंगे, तो वो काम तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें काम आता नहीं है। और माफ कीजिए, जब वो आ जाएंगे तो 5-7 साल में वो सीनियर हो जाते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि अगर हम 10 साल बाद हम चैनल में काम कर रहे हैं तो फिर हमसे ज्यादा कोई जानने वाला है ही नहीं, तो वो अपने आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर चैनल चलाते रहते हैं। अब वो जब तक रहेंगे उस इंडस्ट्री में तब तक वो अधूरा ज्ञान आपके चैनल में, आपके चैनल को, आपके चैनल की देह को तकलीफ पहुंचाता रहेगा। एक तो ये बात है जो मैंने अभी अपने बात में कहा था कि अधकचरे लोग, अनट्रेन्ड लोग आ गए हुआ ये। दूसरी बात जो आपकी बात थी कि एक ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है। दूसरी बात ये कि मुनाफे की एक रोटी, एक चैनल जो पहला चैनल आया तो अब मुनाफे की एक रोटी मतलब विज्ञापन, अगर उसको छतरपुर में अगर 100 रुपए का विज्ञापन मिल रहा है तो 100 रुपए का विज्ञापन आपको मिल रहा है जी, उस चैनल को मिल रहा है। जब देखा देखी कम से कम 20 चैनल आ गए हैं तो वो मुनाफे की रोटी एक एक कौर में तब्दील हो गई और वो विज्ञापन का एक एक कौर एक एक चैनल को मिल रहा है। दूसरी तरफ बिजली का बिल बढ़ रहा है, कैमरे का बिल बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, कैमरे के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की हर साल सैलरी बढ़ानी है तो खर्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, मुनाफा कम हो रहा है, मुनाफे की रोटी कम घटती जा रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि उस प्रेशर में लोग अच्छी सैलरी पर प्रोफेशनल्स को नहीं लाना चाहते। आज मेरी सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए महीने है, तो मेरा मालिक ये सोचेगा कि मैं 5 लाख रुपए इसको दूं, इससे अच्छा मैं 20-20 हजार के 25 प्रोफेशनल रख लूं। ये तो 8 घंटे की नौकरी देता है, अगर मैं 25 लेता हूं तो कितना हो गया, 200 घंटे की नौकरी रोज मुझे मिलेगी। बिल्कुल। तो एक ये वजह जो आई है, ये इंडस्ट्री का जो कबाड़ा किया है, वो तो ये है। तीसरी बात, जब ऐसे चैनल्स आ गए और प्रोफेशनल्स की वो डिमांड आने लगी तो इस देश में मीडिया स्कूल भी कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए। जरा जरा से एक एक कमरे में आपने देखा होगा, एक एक कमरे में मीडिया प्रशिक्षण केंद्र, अमुक विश्वविद्यालय का प्रशिक्षण केंद्र, अमुक विश्वविद्यालय का प्रशिक्षण केंद्र, अमुक कैमरा ट्रेनिंग कोर्स, अमुक टेलीविजन जर्नलिज्म से। ना उनके पास कैमरे हैं, ना उनके पास अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ना उनके पास स्टूडियोज हैं, ना उनके पास फैसिलिटीज हैं, ना उनके पास आर्काइव और लाइब्रेरी है, और सबसे बड़ी बात उनको सिखाने वाले नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले तो खुद ही ज्यादातर 90% अधकचरे हैं। तो मीडिया इंस्टीट्यूट्स को ये लगा कि ये जब इंडस्ट्री में मांग इतनी है तो वो हर साल केवल डिप्लोमा जारी करो और लोगों को नौकरी लगाओ। आज भी ये स्थिति चल रही है कि देश में 80% मीडिया इंस्टीट्यूट्स के पास में ना ढंग के कैमरे हैं, ना ढंग की लैब हैं, ना ढंग के स्टूडियोज हैं, ना ढंग के सिखाने वाले प्रशिक्षक हैं। तो आप क्या करेंगे, ये हाल चल रहा है। 2 लाख में 3 लाख में सर्टिफिकेट दे देते हैं, जारी कर देते हैं, और जो जब हमारे यहाँ आता है वो चैनल में काम करने प्रोफेशनल, वो कहता है कि सर मैं तो 2 लाख की फीस देके वहाँ से XYZ से इंस्टीट्यूट से मैं आया हूँ और मैं जो है असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, और मैं उससे ABC सीख पूछता हूँ तो वो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। तो ये भी एक ये सर जो आपने कमियाँ बताई, ये तकनीकी तौर पर ये कमियाँ देखने के तकनीकी तौर पर है, कुछ नैतिक कमियाँ भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं, कुछ स्कैम्स में लोगों की संलिप्तता सामने आई है, क्या ये निराशावादी बातें युवा पीढ़ी के लिए हो सकती हैं? नहीं, उन्हें लग सकता है कि ये सब सारी चीजें, हम नैतिक पतन भी हो गया मीडिया का, या सिर्फ ऐसा इसलिए देख सकते हैं कि समाज के हिस्से हैं, थोड़ा बहुत इस तरह का चलता रहता है। नैतिक पतन की जो जहां तक बात है, मुझे वो लगता है कि एक तो दो चीजें हैं, एक तो पहली बात ये कि आपके अपने ऊपर होता है, दूसरी चीज है गुरुदत्त की एक फिल्म आई थी, मेरा ख्याल है प्यासा या कागज के फूल, कौन से था, उन्होंने उसमें कहा था, हम गमजदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। जब हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, जब हम जर्नलिस्ट के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो आज उस कार्यक्रम में भी ये बात कही गई कि आखिर वो कोई ना कोई पुलिस वाले का बेटा होता है, वो कोई ना कोई डॉक्टर का बेटा होता है, वो कोई ना कोई इंजीनियर का बेटा होता है, वो कोई कोई शिक्षक का बेटा होता है, अपने घर में तो वो बचपन से बड़ा हो रहा है, और जब उसकी दीदी की शादी की बात होती है तो आज से 40 साल पहले हम लोग जब छोटे थे
तब ये कहते थे कि भाई कोई शिक्षक देखो यार, समाज में बड़ा रिस्पेक्ट है, कोई टीचर मिले तो उसको रख सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आज आपको कहें कि वो कहा है, वो उन्होंने कहा कि पुलिस का इंस्पेक्टर है, 5,000 रुपये वेतन मिलता है या 10,000 रुपये वेतन मिलता है और 25,000 रुपये उसके ऊपर की इनकम है, बढ़िया लगता है। तो हमारे नैतिक मूल्यों की नींव उस बचपन में तो वहां पड़ जाती है। आप सोचते हैं कि आपकी बेटी प्रेम विवाह करे, जाति पाति के बंधन टूटने चाहिए, लेकिन मेरी बेटी ना करे, पड़ोसी की बेटी करे। आपकी बेटी जब करने लग जाती है तो आप अचानक आप बदल जाते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है, नैतिकता की जो का जो सवाल है, वो तो हमारे घरों से निकलता है और घरों से निकल के प्रोफेशनल आते हैं। वो चीजें कोई सोसाइटी या कोई प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर नहीं बदलता है। आपके दिमाग की जो सीमेंट है, आपके दिमाग की जो मिट्टी है, वो कौन बदलेगा। बहुत अच्छा, इस चर्चा को जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा टीवी में आप जब से संभाला है इसको, उसमें क्या खास बात है, किस तरीके से दूसरे चैनल से वो भिन्न है, और राज्यसभा टीवी पर आप कब राजेश बादल जी के कार्यक्रम देख सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के दो पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, आपके विषय में भी और मीडिया के विषय में भी। इन दिनों आप राज्यसभा टीवी देख रहे हैं, चैनल का कंसेप्ट क्या होता है और कौन संचालित करता है? बहुत सारे लोगों को तो अभी लगता है कि शायद ये सरकारी चैनल है, किस तरह के प्रोग्राम्स इसमें संचालित होते हैं? देखिए, ये जो राज्यसभा टेलीविज़न है जी, ये भारत की संसद का दूसरा चैनल है जी। पहले संसद के पहले चैनल के तौर पर लोकसभा टीवी शुरू हुआ था 2006 में जी। इसके बाद 2010 में ये तय हुआ कि अब ये चैनल दोबारा शुरू किया जाए, ये चैनल दूसरा चैनल शुरू किया जाए। तो चूंकि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो लोकसभा का अपना चैनल तो था ही, अब राज्यसभा का ये चैनल हम लोगों ने अगस्त 2011 में शुरू किया जी। और तब से हम लगातार 24 घंटे के चैनल के तौर पर काम कर रहे हैं। 22 नवंबर 2011 से हमने 24 घंटे का चैनल इसको शुरू कर दिया जी। तो जब संसद की बैठकें चल रही होती हैं तो हम उसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दिखाते हैं जी। और जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, मसलन शाम को या सुबह, और जब संसद की बैठकें नहीं चल रही होती हैं उन दिनों भी, तो हमारे अनेक विषयों पर, करीब हमारे 36 या 37 शो हैं, अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। तो चूंकि संसद, हमारे यहाँ संसद के तीन प्रमुख अंग हैं, पक्ष, प्रतिपक्ष और राष्ट्रपति, तो हमारी निष्पक्षता का सबसे बड़ा आधार यही है कि हम जितना हम पक्ष की बात रखते हैं उतना ही प्रतिपक्ष की बात रखते हैं। तो कई बार ऐसा, जैसे आपने कहा कि लोगों को ये लगता है कि शायद हम सरकार के चैनल हैं या सरकारी चैनल हैं, हम संसद के चैनल हैं और संसद के हिस्से के रूप में ये चैनल हम चला रहे हैं जी। सर, एक नई मीडिया का जन्म भी इन 2-3 वर्षों में हुआ है, जिसे सोशल मीडिया के तौर पे हम देखते हैं, एक ऐसी मीडिया जहां पर संपादक का कोई डंडा नहीं है, एक आम आदमी भी उस प्लेटफॉर्म पे जाकर और खुद को अभिव्यक्त कर पाता है, अपनी बात रख पाता है। और इस इलेक्शन में जो कैंपेनिंग हुई है भाजपा की, या जहाँ जहाँ भी और दलों की कैंपेनिंग हुई, उसमें बड़ी अहम भूमिका देखने को मिली, और कई मुख्यधारा के चैनल्स ने भी उनको बराबर तवज्जो दी, जो भी लिखा गया उस पर कहा गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सोशल मीडिया से एक नया बदलाव आएगा, और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको थोड़ा बहुत डरने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आलोचनाएं बहुत हो रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की? मेरा ख्याल है कि सीधे तौर पर तो डरने की कोई आवश्यकता है नहीं जी। इसका उत्तर मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो ये कहा गया कि अखबारों के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए बड़ा खतरा है, अखबारों का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, उनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, अखबार अपने एडिशंस नहीं निकल पाएंगे, टेलीविज़न ज़्यादा लोकप्रिय है, तेज़ी से असर करता है।
जब टेलीविजन इंडस्ट्री इस तरह से इस्टेब्लिश हो गई तो इसके उलट पाया ये गया कि हर अखबार ने अपने संस्करण बढ़ा दिए, उनकी भाषा सुधर गई, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, कई रंगों में वो प्रकाशित होने लगे, वो संभाग स्तर तक गए, वो जिला स्तर तक गए। और आज आप देखिए कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि प्रादेशिक अखबारों के जिला संस्करण छतरपुर संस्करण भी देखने को मिलेगा। हम लोग तो बहुत ही, जब यहाँ होते थे तो बहुत 18-22 के एक दो पन्ने का शुभ भारत हम निकालते थे और उस दो पन्ने के अखबार को निकालने में कितनी मुश्किल होती थी। तो हम जहाँ हैं वहाँ से तो आगे जा रहे हैं ना। तो टेलीविजन मीडिया की बात, अब जो बात हो रही है सोशल मीडिया की, ट्विटर की आप बात करो, फेसबुक की बात करो, सोशल मीडिया की बात करो, मैं उसको कुछ इस तरह से कहूँगा कि हम लोगों की जो भूख है विचारों की भूख, वो अब खुल रही है। विचारों की भूख खुलने का नतीजा ये होता है कि हम में से हर आदमी, हर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो या चाहे नौजवान, वो अपने विचारों की भूख को शांत करना चाहता है। तो टेलीविजन पे अगर कर पा रहा है तो ठीक है। अब टेलीविजन एक तरफा माध्यम है, टेलीविजन में मैं देख रहा हूं और आप दिखा रहे हैं जी। तो कुछ तो मेरी विचारों की भूख शांत हो रही है, लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा और जो सवाल जग रहे हैं और मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे तो कोई मौका नहीं मिल रहा है ना। तो सोशल मीडिया, ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप जिस तरह से आया है, कम से कम यह है कि मैं एक कोई कमेंट करता हूं, मैं कोई अपना विचार रखता हूं और तुरंत उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं मेरे अपने संपर्क संसार से। तो इसका अर्थ यह है कि ये दोतरफा माध्यम जो बना है ये उस माध्यम से आगे का माध्यम है। जैसे मैंने अभी कहा था कि अखबार पढ़ने के लिए साक्षर होना चाहिए, टेलीविजन देखने के लिए साक्षर होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेलीविजन की बंदिश यह है कि वो केवल एक तरफा संपर्क और संवाद कायम करता है अपने दर्शक के साथ, लेकिन सोशल मीडिया दो तरफा संवाद है। और इससे किसी माध्यम को खतरा क्यों होना चाहिए? और हाँ, अब मैं जो दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे हम अपने संप्रेषण में, अपनी अभिव्यक्ति में हम आगे जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार भी आ गया है कि उस हथियार का दुरुपयोग रोकने की एक अदृश्य चेतावनी भी साथ साथ चल रही है। और वो चेतावनी इसलिए चल रही है कि आप इसका दुरुपयोग ना करें। मुझे एक शिकायत है फेसबुक से या सोशल मीडिया से, आप जब कोई एक तीर चला देते हैं तो फिर तीर तो निकल गया, आपकी कलम से, आपके दिमाग से, आपके विचार से वो तीर निकल गया और वो पूरे दुनिया में फैल गया, फिर वो मार करेगा। इसलिए सोशल मीडिया या इस तरह के तमाम मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सावधान और बहुत सतर्क होना जरूरी है। क्योंकि एक मैं इसको थोड़ा सा पुराने उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि हम लोग जब पढ़ते थे, तब रिसर्च जब करते थे, तो उस समय तो कोई कंप्यूटर भी नहीं होता था, उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था, गूगल भी नहीं होता था। हम लोग अपने संपर्कों की, अपने संदर्भों की जो जांच करते थे वो किताबों में जाके करते थे, लाइब्रेरी में जाके करते थे, पुरानी अखबारों की, पुरानी कतरनों के आधार पर करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो प्रोफेशनल है, जो सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे जो कमेंट करता है, उसका 90% लोग अपना जो रिसर्च है, अपना जो शोध है, वो गूगल में टाइप करो और सर्च करो और निकालो। अब आपको क्या लग रहा है कि गूगल नाम की कोई ऐसी धर्मशाला है जो एकदम भक्तिभाव से आपको ज्ञान परोस रही है? पूर्ण सत्य नहीं है। और क्या वो पूर्ण सत्य है? अभी आप गूगल खोलिए, मैं उसमें 90% इन्फॉर्मेशन गलत साबित करके दिखाऊंगा। तो जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मार्केटिंग या अपने धंधे के जरिए उनको अपलोड करते हैं, और आप जो तमाम लोग हैं उस रिसर्च को, उस जानकारी को, जो एक तरफा जानकारी है, मान लीजिए आज अंकुर यादव कहें कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंकर हूं और मैंने दुनिया का सबसे पहला एंकर पढ़ा था, विकिपीडिया में लिख दें, आप लिख दें, वो सेल्फ एडिट होते हैं, वो सेल्फ एडिट होते हैं। अब वो आप आजाद है उसको लिखने के लिए। और अगर मान लीजिए हमें से कोई एक सर्च करना चाहे कि दुनिया का पहला एंकर कौन है, तो वो आएगा अंकुर यादव है जी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग इस माध्यम का इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें, इस्तेमाल करने वाले भी और उसको देखने वाले, समझने वाले, दोनों लोग। और जो हम लोगों को सिखाया गया है 1975, 76, 77 में, कि जानकारियों को क्रॉस चेक जरूर करें,
अगर खासतौर पे आप सिस्टम पे नेट पर इंटरनेट पे और गूगल के जरिए कोई रेफरेंस ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक अगर नहीं होता तो मत छापिए, संयम बरतिए, संयम बहुत जरूरी है, तीर निकल गया फिर तो वो किसी ना किसी को घायल करेगा। सर इस मुलाकात में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें निकल कर आई हैं, लेकिन अंत में मैं उन युवाओं के लिए भी एक संदेश आपसे चाहूंगा जो बचपन से आपका नाम सुनते आए हैं, देखते आए हैं टीवी पर और इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे इस लाइन में करियर के साथ सिद्धांतों का पालन भी कर पाए और करियर भी ढूंढ पाए। देखिए उसमें पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पत्रकारिता के पेशे में वो आना चाहते हैं तो मेरी राय तो यह है कि सबसे पहले वो पढ़ें बहुत। दुर्भाग्य से आज जो लोग इस मीडिया में आ रहे हैं, इस पेशे में आ रहे हैं, वो किन्हीं वजहों से हो, कोई भी मजबूरी उनकी हो सकती है, उनका पढ़ना लिखना छूट गया है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। पढ़ने लिखने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने अखबार पढ़ लिया और मैगजीन पढ़ ली, किसी भी विषय का ज्ञान पूरा होना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छे शब्द आपको नहीं मिलेंगे, अच्छा शब्दों का बैंक आपके दिमाग में जमा नहीं होगा। जब आपके पास शब्दों का अच्छा बैंक नहीं होगा दिमाग में तो आप अच्छा जबान से बोलेंगे नहीं, अच्छा कलम से लिखेंगे नहीं, और जब आप अच्छा कलम से लिखेंगे नहीं तो आपकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो पहली बात तो यह है कि अच्छा पढ़ें, बिना अच्छी पढ़ाई के आप अच्छे मीडिया पर्सन या पत्रकार या प्रोफेशनल नहीं बन सकते। दूसरी बात है उसूलों की। इस मामले में मेरा कहना यह है कि अगर मेरा तो एक फॉर्मूला हमेशा से ये रहा है कि जब मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, क्या आज भी जब मैं चैनल में जब कभी बैठता हूँ हम लोगों के बीच में बात होती है तो मैं तीन सवाल कोई भी फैसला लेने के पहले अपने मन से करता हूँ। नंबर वन, क्या ये अनएथिकल है? नंबर टू, क्या ये चैनल या अखबार के इंटरेस्ट के खिलाफ है? नंबर तीन, क्या हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं हमारे, ये हमको इस बात के लिए परमिट करते हैं? तो ये तो तात्कालिक फैसला लेने में आपको मदद करेंगे, लेकिन लंबी पारी अगर आप खेलना चाहते हैं तो फिर आपको एक फॉर्मूला मेरी नज़र में, मैं जो मैं सुझाव दे सकता हूँ नए लोगों के लिए कि उनको ये काम करना चाहिए कि आप रोज आईने के सामने खड़े हों और जिस दिन आपको लगे कि आप अपनी नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं किसी काम को करने में, वो काम गलत है। आपकी हर आदमी के अंदर से एक आवाज आती है अगर वो गलत कर रहा है तो, और उस आवाज को सुनना चाहिए, उस आवाज को सुनना चाहिए। तो इस इंटरव्यू में निश्चित तौर पर आप सभी युवाओं के लिए बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं जिनका आप पालन करके इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर करियर तो है ही, साथ ही ये मिशन का काम है, सिद्धांतों का काम है, और इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए। सर आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।